हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक ही होंगे। सो क्या ना, मैं घर पे ही हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से मैं घर पे ही हूँ। सो मैंने सोचा आज सोमवार है, मंडे है, सो हमारे यहाँ मंदिर है हनुमान जी का और महादेव जी का, तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब मैं गया नहीं हूँ वहाँ पर दर्शन करने के लिए। सो मैं आज जाने वाला हूँ वहाँ पर दर्शन करने के लिए, तो सोचा कि क्यों ना यार मैं वहाँ जाते जाते वीडियोस बना लूँ, क्योंकि कोई अच्छा व्लॉग्स भी आया नहीं है। सो इसलिए मैं निकल रहा हूँ, मैंने दोस्त को कॉल कर दिया है कि यार मैं आ रहा हूँ, हम लोग चलते हैं वहाँ पर। उसने बोला चल तू आ जा। सो बाइक वहाँ पर रखी है, सो तो मैं अभी ना निकलता हूँ वहाँ जाने के लिए। सो यहाँ हमारे यहाँ से ना मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा नहीं है। सो आप लोग को भी दिखाता हूँ, तो यार वीडियो में एंड तक बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए कि सब लोग यार देखें वीडियोस। और वैसे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो यार लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मतलब डिस्क्रिप्शन में मतलब यार वीडियोस आप लोग चेक कर लेना मेरे आईडी में जाके, मतलब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी बनाए हैं। और हम लोग जो गुजराती वीडियोस बनाते हैं उसका भी चैनल है, सो वो भी आप लोग देख लेना। तो चलो मैं पहले निकलता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, और टाइम भी हो गया है। सो उसको मैंने कॉल कर दिया, वो भी रहा, वो देख रहा होगा अभी। तो चलो चलते हैं, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर से बताना कि कैसा लगा वीडियो। सो निकलता हूँ मैं अभी। रहा जो मंदिर हम लोग आने वाले थे, ये रहा मंदिर, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मतलब हम लोग बहुत जल्दी आ गए। एक ये है शंकर भगवान का मंदिर, और उस तरफ है हनुमान जी का मंदिर, वो रहा देखो बस, ये दो मंदिर है। और आप लोग लोकेशन भी देखो कितना बढ़िया तरीके से बनाया है, यहाँ पर फोटो शूटिंग के लिए भी आप लोग आ सकते हो, बहुत एकदम बेस्ट जगह है। और ये जगह ना एकदम हाईवे के बाजू में ही है, ये रहा हाईवे मेरे पीछे बस उसके बाद में है। तो सो हम लोग ना पहले यार दर्शन करने के लिए चलते हैं, बाद में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा क्या क्या है वो, मतलब इसका जो रहस्य है वो मुझे कुछ मालूम नहीं है, बट यहाँ पर क्या क्या होता है, क्या लोग करते हैं, बस वो ही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए, तो लेट्स गो, चलो बने रहो मेरे साथ वीडियो में। काशी में है कोई कहे कैलाश, जब जब तुझे पुकारा बाबा तू था मेरे पास, तेरे बल से मैं बलवान, बाबा तू मेरा भगवान, तेरे चरणों में ही रहना जब तक मेरे तन में प्राण। मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, थोड़ी ऐसी आ रही है, मतलब मैं बाहर आ जाता हूँ। सो आप लोगों ने देखा ये बाहर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, बाहर ज्योतिर्लिंग मतलब सब लोग जाते हैं ना वो बरुमाड़ा, यहाँ से मतलब हमारे यहाँ से बहुत दूर है, मतलब कोई बात नहीं, तो यहाँ पर ही मंदिर बन गया है। सो हम लोगों को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाँव वालों ने यार इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर मंदिर बनवा लिया है बाहर ज्योतिर्लिंग का। तो यार आप लोग को भी दर्शन करने के लिए आना होगा, विरसी के लोग सब लोग तो जानते हैं कि यहाँ पर है, और यहाँ पर घूमने के लिए मतलब वो परिक्रमा बस वो करने के लिए भी यहाँ पर पूरा बनाया हुआ है। सो मैं अभी वही कर रहा हूँ, एक बार देख लो, चेक कर लो बस वो। सो यहाँ से आगे नहीं जाने वाला मैं, बस यहीं से वापस आ जाता हूँ।
तो बारह ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, मतलब देखो ना एक साथ बारह महादेव के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर। मैंने तो कर लिए, आप लोगों को भी वीडियो मैंने दिखा दिया, तो सो आप लोग को भी दर्शन हो गए होंगे मेरे तरफ से। आप लोगों के लिए भी यार कर लिया मैंने, सो मैंने कर लिया, आपने कर लिया, एक ही बात है। सो ये राम, और मूर्ति भी कितने अच्छे तरीके से, और मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनाया हुआ है यार। सो मज़ा आ जाता है। मैं आने वाला था शिवरात्रि के दिन, मतलब प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैं मंदिर में नहीं जा सकता था, इसीलिए नहीं आ सका था, वरना उस दिन भी मैं आ जाता। सो अभी यहाँ पर दर्शन हो गए, अभी जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। सो महादेव और हनुमान जी मेरे फेवरेट गुरु जी है, भगवान मतलब गॉड, बस वही। सो इसलिए मैं ना उन लोगों को, क्या गणेश जी, हनुमान जी और भोलेनाथ, बस इन तीन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। सो ये रहा पीछे विशाल ब्रो, जो मेरे साथ आया हुआ है यार, पहली बार आया। मैंने उसको भी बोला कि तू भी चल यार मेरे साथ वीडियो में, चल मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चल। वो सो अभी ये रहा मंदिर, तो अभी मैं अंदर जाता हूँ दर्शन करने के लिए। बजरंग बली वीरा, जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली वीरा, जय बजरंग बली। जो जन शरण में आवे उनकी दीप्ति पल में जली, ओम जय बजरंग बली वीरा, जय बजरंग बली, ओम जय बजरंग बली वीरा, जय बजरंग बली। तो ये रहा हनुमान जी का मंदिर, मतलब ये तो काफी पुराना है, ये अभी अभी बनवाया है यार। यहाँ पर नवरात्रि का महोत्सव भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया होता है। और आप लोगों को यार शादी में या कुछ प्रोग्राम में मंडप चाहिए, तो ये रहा यहाँ पर है, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये मंडप मतलब यहाँ के युवक मंडल का है, तो सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर देना है, अपने ही दोस्त का है, सो मैं करवा दूंगा आप लोग को कुछ भी अरेंज, तो सो आप लोग देखो। तो ये रहा मंदिर हनुमान जी का, ये काफ़ी पुराना है, और यहाँ पर नवरात्रि का महोत्सव, गणेश महोत्सव सब बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित करते हैं। आप लोग ये भी देखो, फोटोशूट के लिए भी लोकेशन ना बहुत बेस्ट है, मैं तो अभी तक नहीं आया, लेकिन आप लोग ज़रूर से आना। और मैं अभी आने वाला हूँ किसी दिन, कैमरा है ना ऑर्डर पे गया हुआ है, सो वो आएगा बाद में, वापस आएंगे यहाँ पर फोटोशूट के लिए। मैंने यार यहाँ पर कभी भी फोटोशूट नहीं करवाया, सो चलो अभी देखते हैं। चलो बस व्लॉग में बस इतना ही था, जो हमें दर्शन करने, दर्शन हो गए, आप लोगों को मैंने किया, आप लोगों ने किया, दर्शन एक ही बात है। सो अभी नेक्स्ट व्लॉग में कहीं मिलेंगे, आज हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग गुजराती वीडियोस बनाए, सो लेकिन क्या हुआ कि यार आज मंडे है, सब लोग स्कूल भी चले जाते हैं, तो कोई यार मिला नहीं है, तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी दिन, मतलब अगले संडे। सो आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की, वो भी आप लोग देख लेना, ज़रूर से चेक करना, क्योंकि यार कॉमेडीज़ वीडियोज़ है, वीडियोज़ में आप लोगों को भी मज़ा आएगा हंसने में। और वाह, सो तो आप लोगों को ये लोकेशन कैसी लगी, मंदिर कैसा लगा, सब यार जो कुछ भी आप लोगों के मन में कमेंट में मुझे बता देना। सो मुझे भी यार सपोर्ट करते रहना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं। और चलो अभी दर्शन हो गए, आज के व्लॉग में बस इतना ही, सो मुझे सपोर्ट करते रहो आप लोग, मैं इससे आगे बढ़ता रहूँगा, बस वही। सो अभी निकलते हैं हम लोग भी घर पे, चलो बाय फ्रेंड्स।